डेटा दिया गया है तो इसमें कितने डेटा दिए गए हैं, सबसे लास्ट वाले कॉलम में अगर हमें जाना है तो पहले तो हम लास्ट वाले सबसे कॉलम में जाएंगे कैसे, कंट्रोल के साथ डाउन एरो की। तो हमने यहाँ पे सीरियल नंबर दिया है तो कुल कितने हमारे रिकॉर्ड्स हैं, 5000। अगर हमने कंट्रोल के साथ अप एरो किया तो फर्स्ट वाले पे आ गए। यहाँ पे हमने सीरियल नंबर दिया हुआ है और इसमें अगर आपसे कोई पूछेगा कुल कितने रिकॉर्ड्स हैं तो बहुत लोग कुछ यहाँ से भी ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं, अगर हाँ एरो सिलेक्ट की हो से नहीं जाएगा। जाते तो यहाँ पे आपको दिखाता तो है 5001। तो इसमें हमारा क्या हो गया, एक ये पहला वाला भी इंक्लूडेड हो इंक्लूड जाएगा। हो गया। तो अगर हम चाहते कि नहीं हमें पहले वाले को स्किप करके हमें इसको सेलेक्ट करना है तो तो हम इसे भी पहले को डाउन छोड़ करके यहाँ से कंट्रोल और शिफ्ट के साथ डाउन डाउन एरो की एरो प्रेस की करेंगे तो आपका यहाँ पे तक सेलेक्ट कर लेगा। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे तो 5000 रिकॉर्ड दिखाएगा। कभी कभी हम लोग क्या होता है कि ऊपर की तरफ जाना होता है तो लोग यहाँ से भी यूज कर लेते हैं, A1 लिख करके एंटर कर देते हैं तो हम चले जाते हैं, बट नीचे के लिए हमें पता नहीं होता कि हमें कौन से रो नंबर में जाना है। तो उस केस में हम यहाँ पे कंट्रोल के साथ डाउन एरो की यूज करेंगे। गलती से अगर एक बार और अगर हमने प्रेस कर दिया तो एकदम लास्ट तो में लास्ट पहुँचा में देगा। चला जाएगा। फिर से अगर हम इसी तरीके से करेंगे तो कुछ इस तरीके से। अब हम यहाँ से सबसे ऊपर तक सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट अप एरो की का यूज करेंगे। अब हमें इसमें पहला तो चाहिए नहीं तो फिर से एक बार शिफ्ट दबाएंगे और डाउन एरो की करेंगे एक बार, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक ऊपर से स्किप हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो 5001, अगर हम 5001 की जगह पे 5000 दिखाएगा। अब इसमें हमारा टास्क क्या है कि हमें पता करना है कि इसमें यूनाइटेड स्टेट में कुल कितने क्लाइंट्स हैं और फ्रांस में कुल कितने क्लाइंट्स हैं, ग्रेट ब्रिटेन में कुल कितने क्लाइंट्स हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग ज़्यादातर प्रयास करते हैं कि हमने यहाँ पे फिल्टर लगा दिया तो यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ से चले जाएंगे शॉर्ट एंड फिल्टर, यहाँ से फिल्टर पे क्लिक कर देंगे। या तो हमारे पास शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट एल, तो अभी पहली बात हमने जैसे लगाया, अगर हमें फिल्टर हटाना है तो यहीं पे फिर से फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा फिल्टर। अगर हमें लगाना है तो कीबोर्ड के शॉर्टकट की होते हैं कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे तो हमारा फिल्टर लग जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट है, हाँ, अब ठीक इसमें अगर हमें, अब इसमें हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये सेलेक्टेड होना चाहिए, ये सेलेक्टेड होना चाहिए, देन उसके बाद हम कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे तो एक बार प्रेस करेंगे लग जाएगा फिल्टर, एक बार प्रेस करेंगे तो रिमूव हो जाएगा। अब जाएगा। हमें यहाँ पे क्या करना था कि हर कंट्री वाइज हमें क्लाइंट्स को काउंट करने थे कि एवरी कंट्री हैव कितने कॉल क्लाइंट्स हैं। तो हमने यहाँ से जाया गए और यहाँ से हमने सबको टिक मार्क हटा दिया, यूनाइटेड स्टेट का किया तो यहाँ से हमारे पास US का आ जाएगा। अब इसको हमें सेलेक्ट करना रहेगा तो फिर से वही, अगर हम यहाँ से करेंगे तो ओवरऑल पूरा कर लेगा तो 2401 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2401 का, जबकि हमारा एक तो क्लाइंट है ही नहीं, ये तो हमारा कॉलम नंबर है, तो हमें यहाँ से सिलेक्शन चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट शिफ्ट डाउन एरो की डाउन। करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट कैलकुलेशन 2400 है, 00 है। तो यहाँ से हमने क्या किया, लास्ट वाले से फर्स्ट में चले गए और फिर से हमने यहाँ से क्या किया, फिल्टर्स में से ग्रेट ब्रिटेन का भी अगर हमें देखना है तो हमने US का हटा करके ग्रेट ब्रिटेन का देख लिया और हमने यहाँ से ओके किया तो हमें ग्रेट ब्रिटेन का मिल जाएगा। फिर से हमने यहाँ से सेलेक्ट किया कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, फिर से हमें यहाँ पे 140 मिल जाएगा। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सबका चेक कर लेंगे, यहाँ से फ्रांस का भी चेक कर लेंगे, यूनाइटेड स्टेट का भी चेक कर लेंगे। बट मोस्टली लोग करते क्या है कि यहाँ से चेक करेंगे तो एक ज़्यादा दिखाएगा, जैसे यहाँ पे अपने 14001 हो गया है बट कि यहाँ पे 2400 था और एक आपका ग्रेट ब्रिटेन में 140 था, तो इसको थोड़ा सा मिस होता है तो आप इसको ध्यान देंगे कि कैसे होगा। और यहाँ पे भी हमें एडिटिंग करना होता है एग्जिस्टिंग सेल में तो F2 प्रेस करके हम इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, फिर से एंटर प्रेस कर देंगे, इसमें भी एडिटिंग करना है, F2 प्रेस किया, बैक स्पेस दबाया, फिर से 0 लगाया, फिर से हमने एंटर कर दिया, तभी हमारा एग्जैक्ट कैलकुलेशन कुछ ये है। तो हमने यहाँ पे काउंटिंग कर लिया बट ये काउंटिंग कभी कभी हमारे पास ये हो जाता है कि हमें इसका सम निकालना है, कभी हो जाता है कि हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है अमाउंट का, हर कंट्री वाइज हमें निकालना है। अभी तो क्लाइंट्स हमने काउंट किया तो ये थोड़ा सा
अगर हमारे कैलकुलेशंस लेंदी होता है तो उस केस में हम पाइवट टेबल यूज करेंगे, जहां पे हम इसको काउंटिंग के बजाय क्या करेंगे, पाइवट टेबल यूज करेंगे फिल्टर की जगह पे। तो हम यहाँ से पहले अभी फिल्टर हटा देते हैं कंट्रोल शिफ्ट लगा करके, और इसमें से कंट्रोल ए करेंगे तो देखिए ये पूरा सेलेक्ट हो जाता है। तो कंट्रोल ए करने से पूरा सेलेक्ट का मतलब पूरा टेबल सेलेक्ट करेगा, ये नहीं सेलेक्ट करेगा। क्यों नहीं करेगा? अगर हम यहाँ पे होते तो ये कंट्रोल ए करते तो देखिए इतना सेलेक्ट कर लेगा, कॉन्टिन्यू डेटा जहाँ मिलेगा इसको केवल उतना ही सेलेक्ट करेगा। अगर बीच में कोई गैप है तो नहीं सेलेक्ट करेगा। मान लीजिए हमें इस कॉलम्स को डिलीट करना था तो मैंने यहाँ से हटा करके इसको डिलीट कर दिया, अब कंट्रोल ए करेंगे तो केवल इतना ही सेलेक्ट करेगा। तो पहले हमें टेबल के अंदर जाना होता है जहाँ पे हमारा डेटा होता है, देन कंट्रोल ए करते हैं तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसको मैंने पहले कॉपी कर लिया यहाँ से, फिर से हमने नई शीट यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। और इसको ऑटो फिट करने के लिए हमने देखा था ऑल्ट एच ओ आई होता है ऑटो फिट कॉलम विड्थ, कॉलम की विड्थ ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, डेटा के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। अब इसमें हमें क्या करना है, पाइवट टेबल लगाना है। पाइवट टेबल क्यों लगाया है जा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि बहुत सारी चीजें हमें कैलकुलेशंस मैनुअल करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, बट अगर हम पाइवट टेबल के थ्रू यहाँ पे करेंगे तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इनसाइड मेन्यू में जाएंगे, हमारे पास यहाँ पे पाइवट टेबल एक तो रिकमेंडेड मिलता है, किसी किसी में रिकमेंडेड नहीं होता है। रिकमेंडेड में जाएंगे तो आपको बताता है कि आप क्या कैलकुलेशन चाहते हो। देखिए यहाँ पे काउंटिंग करना चाहते हैं तो जो अभी हमने उधर काउंटिंग किया था ये ऑटोमेटिक यहाँ पे काउंट करके दे दिया। तो आपको ये चाहिए तो बस यहाँ पे क्लिक करिए, ऑटोमेटिक आपका सेकंड में आपको कैलकुलेट करके दे देगा। आपको इस तरीके से आपको अमाउंट्स यहाँ पे चाहिए, सम चाहिए तो उसका, इसका सम चाहिए तो इसका सम निकाल देगा अलग अलग। अगर आपको यहाँ पे मेल फीमेल के अकॉर्डिंग अगर आपको काउंटिंग चाहिए तो यहाँ पे निकाल देगा। तो ये रिकमेंडेड है, हम कैसा चाहते हैं। तो अभी रिकमेंडेड तो मान लीजिए हमें यहाँ पे दे रहा है, अगर नहीं दिया होता तो क्या करते हैं? फिर हम यहाँ पे पाइवट टेबल पे जाते और यहाँ से पहले इसको रिकमेंडेड हटाते हैं, देन हम यहाँ पे जाएंगे, ये ऑटोमेटिक उठा लेगा। अब हमें इसी वर्कशीट पे करना है तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट करेंगे और इसका लोकेशन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और हम ओके पे क्लिक करेंगे। हमें क्या चाहिए, काउंटिंग चाहिए, किसका चाहिए, कंट्री वाइज चाहिए, वो अलग चीज है। हमें कंट्री वाइज चाहिए या हमें एज वाइज चाहिए या जेंडर वाइज चाहिए, बट अभी हमें कस्टमर की काउंटिंग चाहिए। तो हम यहाँ पे कस्टमर के नेम को यहाँ पे टिक मार्क लगाएंगे या तो इसको लेफ्ट के साथ क्लिक एंड ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ देंगे। तो देखिए अभी काउंट करके बता दिया 5000 हमारे कस्टमर्स हैं। अब कंट्री वाइज करना है तो इसको हम यहाँ से लेफ्ट बटन क्लिक एंड ड्रैग करके लाएंगे, यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। तो देखिए ये हमारा क्या किया, अभी रिकमेंडेड में जो दिखा रहा था ये ऑटोमेटिक काउंट करके दे दिया। तो हम यहाँ पे चाहते हैं कि कंट्री में एवरी कंट्री हैव द मेल फीमेल्स, मेल फीमेल का भी अगर हमें करना है तो हम जेंडर को जाएंगे, इसको कॉलम में कर देंगे। तो आप देखिए हर कंट्री का मेल का अलग दिखाएगा, फीमेल का अलग दिखाएगा, टोटल दिखाएगा, देन ग्रैंड टोटल दिखाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम पाइवट टेबल यहाँ पे निकालेंगे। अब इसमें हमें कॉलम नेम, अगर मान लीजिए हमें काउंटिंग नहीं करना होता, सम करना होता, तो हम यहाँ से जा करके इसको हम बाहर निकाल देंगे। अब सम हम नेम का तो कर नहीं सकते थे, तो हमें अमाउंट का करना है तो इसको क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, वैल्यू में लाएंगे, तो ये हमारा देखिए पूरा का पूरा मेल फीमेल के अकॉर्डिंग ये पूरा निकाल देगा। इसमें कुछ सेटिंग्स भी होती है, आप यहाँ पे जा करके क्लिक करके आप सेटिंग में भी जा सकते हो, वैल्यू फील्ड सेटिंग यहाँ पे मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए हमने सम को सेलेक्ट किया है। अगर हमें काउंट करना है तो हम काउंट भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हमने सम सेलेक्ट किया है तो काउंट नहीं करेगा, काउंट भी कर सकता है, बट इसके लिए हमें यहाँ से सेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कुछ हमारे पास इंसर्ट जैसे स्लाइसर वगैरह भी दिया गया है, जैसे हमने यहाँ से अगर स्लाइसर्स पे क्लिक किया ना, तो इसमें अगर हमें फिल्टरिंग का काम करना है तो ये स्लाइसर्स यहाँ पे काम करता है। जैसे अगर मान लीजिए हमें यहाँ पे कंट्री का हमें चाहिए स्लाइसर, तो हमने कंट्री पे क्लिक किया और भी स्लाइसर्स हमें जेंडर के अकॉर्डिंग भी चाहिए तो हमने जेंडर पे क्लिक किया और हमने यहाँ से ओके किया। तो ये स्लाइसर क्या करेगा,
कि हमें डेटा को फिल्टर करने का काम करेगा। यहाँ से जैसे अगर हमें केवल और केवल हमें फीमेल का कर दिया तो देखो केवल फीमेल का यहाँ पे दिखाएगा, मेल का केवल कर दिया तो केवल मेल का दिखाएगा, केवल फ्रांस का करना है तो केवल फ्रांस का दिखाएगा, ग्रेट ब्रिटेन का केवल किया, यूनाइटेड स्टेट का किया, तो यहाँ से हम फिल्टर लगा सकते हैं। स्लाइसर भी आ सकते हैं, हाँ स्लाइसर्स में जिस जिस कॉलम का चाहिए वो लगा सकते हैं। अब इसमें हमारे पास मल्टीपल, जैसे हमें ग्रेट ब्रिटेन और यूएस का दोनों चाहिए तो इसमें मल्टीपल सिलेक्शन यहाँ पे दिया है, इस पर क्लिक करेंगे देन हम यहाँ से चेक करेंगे, देखिए दोनों का आ जाएगा। अब इसमें हमें मेल फीमेल दोनों का चाहिए तो यहाँ पे हम फिर से मल्टीपल पे चेक करेंगे देन उसके बाद हम यहाँ से चेक करेंगे। तो स्लाइसर का काम क्या होता है कि किसी भी पाइवट टेबल्स में से अगर हमें फिल्ट्रेशन करना है, स्पेसिफिक निकालना है, तो हम यहाँ से स्लाइसर्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो मेनली हमारा पाइवट टेबल तब यूज किया जाएगा जब हमारा क्या होगा, डेटा बहुत ज्यादा होगा और उसके बाद हमें उसको समराइज करके उसकी एक रिपोर्ट जनरेट करनी होती है, तो हम उस केसेस में क्या करेंगे, पाइवट टेबल यूज करेंगे मैनुअल कैलकुलेशंस के बजाय, क्योंकि मैनुअल कैलकुलेशंस में टाइम और एक्यूरेसी के भी चांसेस होते हैं कि गलत आ जाए, सही नहीं आए कैलकुलेशन में, बट यहाँ पे अगर हम पाइवट टेबल्स यूज करते हैं तो हमारे पास एक्यूरेसी भी आएगी और टाइम भी कम लगेगा, जिसको हम आसानी से बदल सकते हैं तुरंत का तुरंत। तो पाइवट टेबल्स का यूज करेंगे हैवी डेटा पे, अगर हमें समराइज रिपोर्ट जनरेट करनी होगी देन हम पाइवट टेबल्स यूज करेंगे। ओके okay?